हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 3.3 की। तो एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तो उनकी बात करते हैं। और हम किस क्लास की बात कर रहे हैं? एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12th NCERT। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेट, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है और उसको हमने डिनोट किया ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर एम क्रॉस इज एन इज वॉट, इट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो इसका मतलब ये है कि ए के ऊपर या तो मैं टी लगाऊं और ए के ऊपर कॉमा लगाऊं और उसको क्या कर दूं, आई की जगह पर जे कर दूं। देखिए आप, आई की जगह पर जे हो गया और जे की जगह पर आई हो गया। और इसका जो ऑर्डर है, आप ध्यान से देखिए, ऑर्डर का क्या हुआ है, चेंज हो गया है। ऑर्डर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ऑर्डर को चेंज कर दूं, यानी एम इंटू एन की जगह पर क्या कर दूं, एन इंटू एम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको ऐसे तो समझ आएगा नहीं, तो एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये कोई ए मैट्रिक्स है, द एलिमेंट्स आर 4 6 7 8 3 2, जिसका ऑर्डर क्या था, 2 इंटू 3। अब मुझे क्या करना है ट्रांसपोज करने के लिए, रोज को कॉलम में चेंज करना है। सिंपली अगर मैं आपसे बात कहूँ तो रोज को किस में चेंज करना होता है, कॉलम्स में चेंज करना होता है। किस में, कॉलम्स में। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कॉलम्स को रो में चेंज करना होता है, तो या तो ये काम कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, एक ही बात होती है। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ही हो जाएगा। तो चलिए ट्रांसपोज करके दिखाते हैं। तो ये आपकी रो वन है, इसको क्या कर देंगे, आपको ऐसे कर देना है। तो देखिए आपने ऐसे कर दी, रो टू थी उसको दूसरी जगह पर ऐसे कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर में क्या चेंज आया, 2 इंटू 3 था, अब क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 2। क्या हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे चेंज होगा, एम की जगह पर एन, एन की जगह पर, तो क्या हो गया, 3 इंटू 2। तो आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ चार प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं और फिर अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है जहां से मैंने शुरुआत की होती है। देखिए दो बार ट्रांसपोज हो रखा है तो वापस क्या आ गई, वही मैट्रिक्स आ गई। चलिए एक और बात करते हैं कि के कोई कांस्टेंट है, मैंने क्या किया उस के का, के मान लीजिए 2 है 4 है, उस 4 का एज ए स्केलर मैंने मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और अब मैंने उसका ट्रांसपोज जो किया वो बराबर आएगा किसके, पहले से की हुई ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स थी उसको अलग से ट्रांसपोज करके उसी एलिमेंट को, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है किसके लिए, माइनस के लिए, करेक्ट। देन एक और इंटरेस्टिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, ए बी द ट्रांसपोज, यानी मल्टीप्लाई ऑफ ए बी की आप करेंगे, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे और उनका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल आता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए का ट्रांसपोज, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। आप देख रहे हैं ए की जगह पर बी है और बी की जगह पर ए है, और ट्रांसपोज वो इंडिविजुअली लग गए हैं, अभी क्या कॉमनली लगे हुए थे, अभी इंडिविजुअली लग गए हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं ये सारी बातें, तीनों की तीनों यानी चारों की चारों प्रॉपर्टी। सबसे पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज वापस क्या आएगा, ए। तो मान लीजिए मेरी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो रोज को कॉलम में लिखा, इस रो को भी कॉलम में लिखा, ऑर्डर चेंज हो गया है, मैंने इसको वापस ट्रांसपोज कर दिया। वापस ट्रांसपोज करने के बाद मैंने देखा कि ये और ये मैट्रिक्स आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यानी कि क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। और अगर ये सेम हो गए तो इसको मैंने वापस क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स को अगर दो बार ट्रांसपोज कर देते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। चलिए पहली प्रॉपर्टी आई होप क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी का बताते हैं, के ए द ट्रांसपोज इक्वल टू के की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज में, किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हेयर इज ए मैट्रिक्स 3 2 1 8 7 0, सो के इज एनी कॉन्स्टेंट, लेट सपोज दैट इट्स अ जी, आप 2 4 6 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल जी एज्यूम कर लिया है। तो मैंने क्या किया, ए इस मैट्रिक्स में जी से मल्टीप्लाई कर दी, जी से मल्टीप्लाई की तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गई, अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ये रोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में चेंज हो गई।
ठीक। अब आपको मालूम है कि अगर स्केलर क्वांटिटी के अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है तो कॉमन भी बाहर आ सकता है, तो मैंने यहाँ से जी बाहर ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छः टोटल मिला के छः जगह पर जी है तो छः जी की पावर छः आ जाएगा या 6 जी आ जाएगा, नहीं, एक ही बार बाहर आता है, वो एक ही होता है, बाहर आ गया। अब ये वापस क्या बचा, वापस ए का ट्रांसपोज बचा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो वापस ऐसे ही आएगा। तो फिर क्या पता लगा मुझे कि ये और ये ऊपर वाला दोनों आपस में क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। और सिंपली मैंने क्या समझाया, मैंने जी ए की मल्टीप्लाई ट्रांसपोज वाली मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में मैंने जी से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वापस वही आएगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये एक आपका एल एच एस हो गया, ये क्या हो गया, एल एच एस हो गया। आपको आर एच एस करना है, आर एच एस क्या है, जी टाइम्स ए का ट्रांसपोज, तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 जी हो जाएगा, ये 8 जी, 2 जी, 7 जी, जी और 0, और आप ये क्या हो गया, आपकी राइट हैंड साइड हो गई जो कि मैच कर रही है किससे, इससे मैच कर रही है। तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी थी। प्लस वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, दो मैट्रिक्स हैं, मैंने दोनों का पहले प्लस किया फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो ये उसका ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों का ट्रांसपोज किया अलग अलग, ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग, दोनों को ऐड किया, तो मैंने देखा कि इसके इक्वल ये वाली मैट्रिक्स आ गई। इट मीन्स ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। प्लस माइनस मतलब प्लस के लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है और माइनस के लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। चलिए बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो वो क्या है, ए बी द ट्रांसपोज इक्वल टू बी द ट्रांसपोज ए। मैंने यहाँ पर भी एक ए एट मैट्रिक्स अज्यूम की, एक बी मैट्रिक्स अज्यूम की, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई मेरी इतनी आ रही है, आपको मालूम है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देन उसका ट्रांसपोज किया, तो यानी कि जो रोज हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई, तो ये आपकी आ गई एल एच एस, क्लियर। अब आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना है, उसमें क्या करना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो पहले बी का ट्रांसपोज पता होना चाहिए, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, देन ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, दोनों का ट्रांसपोज निकल गया मैंने यहाँ पर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या है, 6385, जो कि मैच कर रहा है किससे, राइट हैंड यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको मैंने राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी सही है। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई ट्रांसपोज की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, जैसे मैंने इस ए का ट्रांसपोज किया, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 2 3 1 2, ट्रांसपोज करने पर ये 2 3 ऐसे आएगा और 1 2 ऐसे आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 2 3 1 2, लेकिन अगर वापस जैसी थी और वैसे ही अगर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं मैंने, हाँ देखिए कैसे, ए कोई ट्रांसपोज एक कोई मैट्रिक्स है उसको वापस करने पर ट्रांसपोज करने पर अगर वो इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर समझिए, ये ए मैट्रिक्स थी 3 2 2 3, जब मैंने ट्रांसपोज किया तो वापस क्या आया, 3 2 2 3, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली देखें तो ए आई जे एम इंटू एन, ए जे आई एन इंटू एम, यानी पोजिशन चेंज हो गई, पोजिशन चेंज होने के बावजूद भी दोनों क्या रहीं, ये दोनों इक्वल रहीं, क्या रहीं, ये इक्वल रहें, ये सिचुएशन यहाँ पर होती है। चलिए बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। या आप सिंपली देखिए, सिमेट्रिक में सिंपल मानिए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज नॉन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूँ तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही आ जाए बट नेगेटिव साइन के साथ आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये कोई मेरी ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वापस इसके जैसी बन गई, तो इस सिचुएशन को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर आप समझ नहीं चाहते हैं इसको, जो जो आपका मैथमेटिकली उससे समझना चाहते हो, देखिए ए जे आई मेरा कोई एलिमेंट है, अगर वो बराबर है किसके, माइनस आई जे के, माइनस आई जे के, यानी ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बराबर है, माइनस का फर्क है, तो मैंने पुट किया थोड़ी देर के लिए आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे अगर मैंने पुट कर दिया तो ये भी आई आई हो गया, ये भी आई आई हो गया, ये वाली पार्टी इधर आई, तो 2 ए आई आई इक्वल टू 0, 2 खत्म हो गया तो ए आई आई क्या हो गया, 0, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, और सेम एलिमेंट सिर्फ कहाँ पर होते हैं, आपको मालूम है कहाँ पर होते हैं, डायगनल्स पर होते हैं, और इसके अलावा कहीं सेम एलिमेंट नहीं होते, और डायगनल कौन सा होता है, ये वाला डायगनल होता है।
तो जिस दिन डायगोनल पर सेम एलिमेंट होगा और वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और जिस दिन ऐसा होगा तो वो मैट्रिक्स जो है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या था, जीरो था सब पर, तो इसलिए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ आपको सिमिलरिटी भी दिखाता हूँ, देखिए 4 2 4 2, और यहाँ पर एलिमेंट सेम होगा। तो कभी भी आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल्स पर जीरो रख दीजिए, ऊपर वाले दो हिस्से जो बचे उनमें जो रखें वही आप यहाँ वाले पर रखिए, और इन दोनों में सेम एलिमेंट रख दीजिए तो आप बना पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बनाने के दिखाऊंगा अभी। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स ऐसी बनानी है तो आप बड़ा सिंपली बना सकते हैं, ये आपका जीरो होगा, ये आपका जीरो होगा, ये आपका जीरो। यहाँ आपने मान लीजिए 4 6 रखा, तो यहाँ पर भी 4 और 6 रख दीजिए, और यहाँ पर जो एलिमेंट रखा है वही यहाँ पर रखिए। अब आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए, देखिए ए आपके ये मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, पलट के वही आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। बस क्या होगा, जब आपको दी जाएगी तो ये माइनस की फॉर्म में दिया जाएगा, और माइनस की फॉर्म में भी देखिए क्या होता है, यहाँ 3 में माइनस के साइन है, उन 3 में नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ 3 में माइनस के साइन लगा लीजिए, करेक्ट। और जिस दिन आप इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 4 6, करेक्ट, -4 0 7, -6 7 0, और जिस दिन आप इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस कैसी आ जाएगी, वापस ये वाली मैट्रिक्स इससे मैच कर जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, अगर कोई एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों को अगर ऐड किया जाए तो वो सिमेट्रिक हो, क्या हो, सिमेट्रिक, क्या हो, सिमेट्रिक, यानी कि जो भी इन दोनों का एडिशन होगा उनका अगर हम वापस ट्रांसपोज करें तो वापस वही आ जाए। तो फॉर एग्जांपल कैसे समझें, इसको थोड़ा टिपिकल काम है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज था, इसको अगर मैं पी बोलता हूँ तो अगर मैं पी डैश करूँ तो वापस क्या आ जाए, पी आ जाए, यानी कि क्या आ जाए, पी ही आ जाए, यानी ये सिचुएशन वापस बन के तैयार हो जाए। ऐसी सिचुएशन को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, माइनस की बात करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो देखिए कैसे, वैसे तो कुछ नहीं है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये ए मैट्रिक्स, ये उसका ट्रांसपोज, दोनों का सम जो कि पी के इक्वल है, मैंने इसको वापस ट्रांसपोज किया तो वापस वही आ गई, तो ये पी पी ट्रांसपोज हो गया। सिमिलरली क्यू के केस में हो सकता है। अब मैं आपको इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ये क्यू मैंने माना ए माइनस ए डैश, क्यू डैश किया तो डैश यहाँ पर लगेगा, ये डैश क्या होगा, अंदर जाएगा तो ए का ट्रांसपोज कर देगा, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देगा। और आपको एक बात अच्छे से मालूम है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ये आपको प्रॉपर्टी से पता होगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो ये क्या हो गया, वापस ए हो गया। अब इसमें मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्यू का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ऑफ दिस, और ये क्या है, ये क्यू था। सिमिलरली इसके लिए ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज अंदर गया, इसको वापस मैंने ए लिखा, और इसको आगे पीछे करके लिख लीजिए, वापस वही सिचुएशन आ गई। तो ये पी डैश पी के क्यों, यानी सिमेट्रिक, और इसकी सिमेट्री कंडीशन को वैलिड करता है। अब मैंने ये दोनों क्यों एक्सप्लेन किए, ये आपको यहाँ पता लगेगा। अगर मैं इन दोनों का सम करने जाता हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये वापस वही मैट्रिक्स को देता है। कैसे, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब पी क्या, मैं हाफ के साथ कर रहा हूँ और क्यू जो है हाफ के साथ कर रहा हूँ। मैंने एक पी की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखी, पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या, हाफ ए प्लस हाफ ए ऐड करने पर क्या आ गया, ए। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है जो क्वेश्चन में गिवेन हो। सर एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, मैंने कहा देखिए ए ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अज्यूम कर लिया। अब ए की जगह पर, ए के ट्रांसपोज की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर दी, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों क्या किया, ऐड किया, तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों को ऐड किया तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई, हाफ दोनों का बाहर ले लिया, इन दोनों को वापस ऐड किया, इस 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 0 1 2, और 2 0 1 2 ही वो मैट्रिक्स थी जो आपने अज्यूम की थी। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1। आपको पहले क्वेश्चन में ट्रांसपोज करना है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों को मैं एक साथ करके दिखाता हूँ। ये आपको एक कोई ए मैट्रिक्स दी है 5 1 बाई 2 -1। अगर मैं आपसे पूछूँ ये रियल में क्या है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये आपको बी मैट्रिक्स कोई दी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर जितने रोज हैं उतनी कॉलम है। ये भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कोई भी मैट्रिक्स उससे 3 × 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मुझे इसका ट्रांसपोज करना हो तो इस रो को क्या करूँगा, इस कॉलम को
कॉल रो बना दूंगा, या ये जो आपका कॉलम है यानी रो है इसको ऐसे लिखेंगे, इस वाले को ऐसे लिखेंगे और इस वाले को ऐसे लिखेंगे, यानी कि रो को कॉलम बनाइए या कॉलम को रो बनाइए, बात एक ही है। सिमिलरली इसको आपने ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दो, ये ट्रांसपोज हो गया। इसको भी आप ऐसे लिखेंगे यानी वर्टिकल लिख देंगे, तो ये भी आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में ए और बी दो आपको मैट्रिक्स दिए हैं 3x3 की। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि आप इसकी जो कि आप ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए थे प्लस और माइनस वाली, वो दोनों ही क्वेश्चन बना के यहाँ पर दे दिए हैं। सिंपली दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ मैं ए माइनस बी के लिए भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो ये आया इसका ट्रांसपोज किया, ये माइनस किया तो ये आया इसका ट्रांसपोज किया। प्लस वाले को लेके अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई है, राइट हैंड साइड निकालना है तो ए का ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ट्रांसपोज कर लिया, प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए तो बी का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद जो आया वो मैच कर रहा है ए प्लस बी के ट्रांसपोज से, इसका मतलब प्रॉपर्टी सही है। देन ए माइनस बी ट्रांसपोज भी करके देख लिया तो वो मैच कर रहा है ए माइनस बी के ट्रांसपोज से। तो देखा आपने कितना ईजी क्वेश्चन होते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से गिवन है, ए ट्रांसपोज को क्वेश्चन में गिवन है, बी क्वेश्चन एक मैट्रिक्स गिवन है, और वो कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस प्रूव कीजिए। कौन से क्वेश्चन प्रूव कीजिए? पहला क्वेश्चन आपका ये है जो उन्होंने प्रूव करने को दिया है, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है जो उन्होंने प्रूव करने को कहा है, तो सेम प्रॉपर्टी पर है। तो आप कहेंगे सर इसमें ए तो कहीं गिवन है नहीं, अरे भाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, इसका मतलब ए भी गिवन है। तो सिंपली ए की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू लिखिए, सॉल्व करते जाइए पिछले क्वेश्चन की तरह, मैं इसको नहीं बताने वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। वहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज़ ए ट्रांसपोज, एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसका बी माइनस वन जीरो वन टू। अब ए मैट्रिक्स आपको नहीं गिवन है तो इसको वापस ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगी? ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये बहुत इजी गेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस टू बी, एक्चुअल में प्रूफ नहीं सॉल्व करना है, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो आपको ए मैट्रिक्स की जरूरत है तो इसका ट्रांसपोज करके लिख लीजिए, प्लस टू टू लिखिए, बी बी लिखिए, सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स आई ये, और इसका क्या कर दीजिए, क्योंकि ट्रांसपोज करने का है, जो आया उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया। तो आपने देखा कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, समझ ना आने पर आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके जैसे क्वेश्चंस किसी भी रेफरेंसर से किसी भी बुक से उठा के आप ट्राई कर सकते हैं, और आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आई होप आप ऐसा करेंगे। थैंक यू।